नमस्कार, आपने लॉग इन किया है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। 6 दिसंबर 1992, ये दिन शायद ही कोई भारतीय भूल पाए। जी हाँ, आज बाबरी विध्वंस को 25 साल पूरे हो चुके हैं। कोई दावा करता है कि वहाँ मंदिर बनेगी, कोई दावा करता है कि वहाँ मस्जिद बनेगी, लेकिन देश का मुसलमान क्या चाहता है? चलिए हम सीधे उन्हीं से पूछते हैं। बाबरी मस्जिद एक तो है ही विषय, शोक का विषय तो है ही। 6 दिसंबर है आज, आज के दिन शहीद हुई थी वो, तो उसका शोक तो है ही हम लोगों को सबको कि उसको शहीद कर दी गई। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर बनाइए, कुछ लोग कहते हैं मस्जिद बनाइए, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप हॉस्पिटल या स्कूल बना लो। आप क्या चाहते हो, देश का मुसलमान क्या चाहता है कि बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे में क्या बने? तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट में केस है, कोर्ट जो निर्णय देगा वो सबको मानना होगा। अब कोर्ट से तो आगे कोई चल नहीं सकता, जो हाई कोर्ट में मुकदमा, हाई सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, अब उस कोर्ट के आगे तो सब फेल है ना, सब कोई उसके आगे नहीं चल सकता। अब सबसे बड़ा कोर्ट ही है, अब जो कोर्ट फैसला देगा वो सबको मानना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था 2010 में कि उस जो विवादित ढांचे का एक तिहाई हिस्सा दे दिया गया था सुन्नी वक्फ बोर्ड को, और दो हिस्सा जो था वो एक राम मंदिर को दे दिया गया था और एक निर्मोही अखाड़े को दे दिया गया था। तो क्या आप उससे सहमत थे, उस फैसले से? नहीं, उससे तो सहमत नहीं थे। अपील अभी तो की गई है दोबारा। अच्छा, दोबारा अपील की गई है क्योंकि उसका ये पिछले 25% से कुछ कम दिया जा रहा था, जो चॉइस थी उसके हिसाब से नहीं था, फैसला ठीक नहीं हुआ था वो। शिया वक्फ बोर्ड बोलता है कि वहाँ राम मंदिर ही थी और राम मंदिर ही बनेगी, तो उस पर क्या कहना? देखो, ऐसा है, शिया बोर्ड की अपनी एक सोच है, सुन्नी बोर्ड की अपनी है, तो शिया बोर्ड की जो सोच है उस सोच के आधार से सुन्नी बोर्ड नहीं चलता। सिया की सोच तो अब आई है, ये इस केस को जो है करीबन 70 साल हो गए, 70-80 साल हो गए, सैकड़ों साल पुराना ये मामला चल रहा है, बहुत पुराना मामला है। और सिया बोर्ड तो अब आया है सामने, सिया बोर्ड की कोई नहीं है, सुन्नी बोर्ड का मसला है, सुन्नी बोर्ड चल रहा है, सुन्नी बोर्ड जो है और कोर्ट में दायरा है, कोर्ट में अपील की हुई है, अब कोर्ट जो भी इसका फैसला देगा हम लोगों को सबको मानना होगा। हमारे साथ और कई लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। दादा, आप क्या चाहते हो, अमन हो, चैन हो, कि मंदिर या मस्जिद बने? मैं तो यही चाहता हूँ भाई, जो कोर्ट फैसला करे उस पर मानने इंशाल्लाह तैयार है हम लोग। आपको क्या लगता है कि ये देश की राजनीति ही इस विवाद को इतना बड़ा कर आई है, क्या बहुत पहले ही फैसला नहीं हो जाना चाहिए था इस पर? जी, जब कोर्ट के ऊपर बात है तो इंशाल्लाह कोर्ट का फैसला वो मायने रखेगा। आइए सर, आइए। नहीं, हमें हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, पर हम किसी मामले में दखल अंदाज नहीं देंगे। आपके दिल की हम बहस नहीं करना चाहते इस मामलात में, हम तो कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है, जो भी कोर्ट करेगी फैसला करेगी, कोर्ट फैसला करेगा उस बात का ना। हमारे आप चैलेंज क्या होता है, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके चैलेंज क्या हो जाएगा? हम आपके पास कोई भी सही महीने में मुसलमान जो होगा वो भागा, जो कोर्ट के ऊपर छोड़ेगा फैसला, जो कोर्ट का होगा हम किसी मामले में से झिरा करने नहीं चाहते। ये तो कोर्ट के फैसले को मान जाएगा, हम हमारे चाहने से आपके कुछ नहीं होगा, जो कोर्ट चाहेगा वही होगा, समझे? कोर्ट जाएगा वही होगा, कोर्ट की एक अलग राय है, आप अपनी एक राय कहना चाहेंगे? राय यही, जो कोर्ट चाहेगा वो होगा, मतलब आप सभी कोर्ट के फैसले से सहमत हो गए? सब जितने भी मुसलमान हैं इस कोर्ट के फैसले पे हैं वो निर्भर। इलेक्शन आते हैं, पास में कोई ना कोई मुद्दा लेके खड़ा हो जाते हैं, जब छोड़ रखा है क्यों उठा रहे हो मुद्दा इस चीज के लिए? मामला कोर्ट में चल रहा है तो रिजल्ट आने तो उसके बाद होगा ना फैसला उसका, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी से आप क्या चाहते हो, मैं क्या चाहता हूँ भाई, जब मामला केस कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट इसका निर्णय करेगा कि जो होगा, या मस्जिद बनेगी या मंदिर बनेगा, वो कोर्ट पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक मंदिर और मस्जिद से भी हटकर एक और सुझाव है, कई लोगों ने कहा है हमसे कि वहाँ पर कोई हॉस्पिटल या स्कूल बना दो जिससे समाज का विकास हो। सुन लो, मस्जिद है मस्जिद रहेगी, ठीक है, कोर्ट जो फैसला करेगा उसको हम मानेंगे, ना वहाँ स्कूल बनेगा, ना गिरजाघर बनेगा, ना हॉस्पिटल बनेगा। मस्जिद जो है खुदा का घर होता है, इसके लिए मुसलमान जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी जान माल लगा रहे हैं, दे रहे हैं, कोर्ट जो फैसला करेगा उस पर हम आमादा है। तो ये जो कोर्ट का जो फैसला आएगा, सुनिए, कोर्ट का जो फैसला आएगा वो दो पक्षों पे आएगा, एक मंदिर है, एक मस्जिद। मंदिर है नहीं, मंदिर है नहीं, गलत कहना, मंदिर है नहीं, मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है, आपके कहने के हिसाब से मस्जिद है, हाँ। पर जो भारतीय पुरातत्व विभाग ने, पूरी दुनिया कहते हैं हिंदुस्तान में कि हिंदू ही हिंदू है, तो ऐसा नहीं है, ये राजनीति वोट बैंक है, वो
सुनो, ये वोट बैंक है आज से नहीं, जब से ये मस्जिद का मामला शुरू हुआ है मंदिर का, तब से बीजेपी या कोई भी पार्टी अपनी वोट बैंक के लिए लोगों को बहका करके, हमारे भाइयों को भड़का करके वोट बैंक बना रहे, नेता बन रहे हैं। नेते के लिए मस्जिद नहीं है। किस पार्टी को आप जिम्मेदार समझते हो? किसी पार्टी को नहीं समझते, किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी नहीं, हमारे सब बराबर है, सब अपने लिए है। हम मुसलमान हैं, हमें मस्जिद के साथ मस्जिद चाहिए। आज निकल, इंशाल्लाह मस्जिद मिलेगी, हमें कोर्ट से मिलेगी। तो आप बस साफ ये कहना चाहते हो जो कोर्ट का फैसला आएगा वो हम मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, माननीय है। तो आपने मुसलमानों की दिल की और जुबा की आवाज को सुन ही लिया होगा। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस बीच कई विवाद और अपवाद भी हुआ। फिलहाल अब कोर्ट का फैसला आना बाकी है। मुसलमानों ने यही कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेंगे और जो भी फैसला आएगा उसमें अमल करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको भी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।